हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश और आपके हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया हूं शेड्यूल एच बनाने के लिए और मेजरमेंट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ अब्स्ट्रैक्ट पेज कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राइस एस्केलेशन कैसे बनाते हैं। तो देरी न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस एस्केलेशन का फॉर्मेट बनाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट में प्राइस एस्केलेशन कहाँ से मिलती है। एग्रीमेंट के किस आर्टिकल के अनुसार हम लोगों को प्राइस एस्केलेशन का मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 के अंदर हम लोगों का एपीसी मोड के एग्रीमेंट में आर्टिकल 19 है और इसके अंदर हम लोगों का प्राइस एस्केलेशन रहता है, जिसका कोड रहता है 19.10.4। आप देख सकते हैं 19.10.4 के अंदर ये टेबल है। सो फ्रेंड्स, इसके ये चार्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये आइटम पे आपको अर्थवर्क का काम, ग्रेनुलर वर्क का काम अगर आप करते हैं, जिसमें आपको प्राइस एस्केलेशन में 20% मिलेगा लेबर के लिए, सीमेंट के लिए 5%, फ्यूल एंड ड्यूरिकेंट के लिए 3% और अदर मटेरियल के लिए 50%, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15%। ठीक इसी प्रकार से बिटुमिनस वर्क के लिए अलग से दिया हुआ है, इसी तरह कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए दिया हुआ है, कलवर्ट के लिए ये परसेंटेज है और मेजर डिजीज के लिए ये परसेंटेज है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आर्टिकल 19 के ये टेबल की मदद से हम बनाएंगे अर्थवर्क और ग्रेनुलर वर्क के लिए प्राइस एस्केलेशन का चार्ट बनाएंगे। कोई सा एक भी चार्ट अगर हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो बस सिंपली है, उसके बाद वाले चार्ट को कोई भी प्रिपेयर करना। मैं आपको दो बना के दिखाऊंगा, तो आइए हम लोग चार्ट बनाते हैं। सो प्राइस एस्केलेशन बनाने के लिए पहले हम एक शीट को इंसर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमको प्राइस एस्केलेशन के लिए ये फॉर्मूला है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो वैल्यू ऑफ रोड वर्क और वैल्यू, आप देख सकते हैं आर डब्ल्यू मीन्स क्या होता है। आर डब्ल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ ए स्टेज अंडर द फॉलोइंग आइटम, मीन्स रोड वर्क एंड अदर वर्क के लिए आर डब्ल्यू को मैंसन किया गया। अगर हम बी आर लिखा हुआ है तो ये ब्रिज एंड स्ट्रक्चर के लिए बी आर लिखा हुआ है। सो हम कैलकुलेशन करेंगे जहाँ भी, तो ये शॉर्टकट का यूज करेंगे। ठीक, जैसे अब ये देखिए, इसने वी आर डब्ल्यू लिखा है, ये आपका फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हमको बनाना। तो वी आर डब्ल्यू मतलब वैल्यू ऑफ रोड वर्क बराबर 0.85 रो आर डब्ल्यू, मीन्स 0.85 रोड वर्क का 0.85 मल्टीप्लाई बाई ये लेबर का जो रेट है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये अब एक जैसे देखिए, जैसे एओ बराबर क्या होता है, द होलसेल प्राइस इंडेक्स एज पब्लिश बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डब्ल्यू पी आई है ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन मशीनरी का। ये बेस डेट के लिए ओ यूज किया है और आई यूज किया है आईपीसी रिलेटेड के लिए, मतलब एक दो रेट लेना पड़ता है, दो रेट के हिसाब से ये चीज़ें बनती हैं। सो आइए पहले हम लोग एक्सेल में फार्मूला बना लेते हैं, उसके बाद से ये समझाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले कॉलम हेडिंग लिखेंगे, पहले लिख लेंगे सीरियल नंबर। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर आपको समझ।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरा फॉर्मेट अपना इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया है। ये देखिए जी अर्थवर्क में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं अर्थवर्क में जो है आप देखिए 20। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एक मिनट एक फॉर्मेट और रखें। तो फ्रेंड्स हमारा हमने प्राइस एस्केलेशन का टेबल हमने बना लिया है, आप देख सकते हैं। पहले हम रखेंगे सीरियल नंबर, फिर आईपीसी, फिर मंथ, कौन से मंथ का बिल है, फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क डन जो हम लोगों का शेड्यूल में हुआ रहेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि ये 7.5 करोड़ का लेके हम लोग का बिल था, तो इसके ऊपर हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये जो वैल्यू ऑफ वर्क डन है ये वही जो अमाउंट आपका शेड्यूल एच में बिल के टाइम आया हुआ है वही रहेगा। इसके अलावा फिर ये रहा प्राइस एडजस्टमेंट फॉर VRW का फार्मूला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीमेंट के कॉपी में दिया हुआ है। ये रहा आप देख सकते हैं VRW बराबर 0.85 RW इंटू PL इंटू LI माइनस LO। ये सब मैंने सेम एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है। इसके अलावा हम लोग का आप देखेंगे ये रहा टेबल, ये टेबल हमने एज इट इज यहाँ पे बना लिया है। जैसे ये देखिए रोड एंड अदर वर्क में जो आपका ये है, इसमें देखिए लेबर लेबर के लिए हम यहाँ पे रख दिया है कितना परसेंट मार्जिन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेबर के लिए कितना है 10%। इसी के साथ साथ अदर मटेरियल में हम लोग का है 50%, तो हम 50% यहाँ कंसिडर करेंगे। और ये प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग का 15%। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, चलिए ये हम इसको बड़ा कर लेते हैं, फिगर हमने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे एक और इंसर्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज और ठंड रहता हुआ। तो फ्रेंड उस टाइप से थोड़ा फॉर्मेट देखने में ठीक नहीं लग रहा था, इसके लिए मैंने इसको जो परसेंटेज है वो मैंने यहाँ पे लिख के और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे फार्मूला। फार्मूला कैसे डालेंगे देखिए, PL = दिस इज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए फार्मूला क्या है, PL = देखिए LI - LO डिवाइडेड बाई एल, ये हम लोग का फॉर्मूला है राइट। तो हम ऐसे ही ये सारे में फार्मूला को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सब फॉर्मेटिंग जितने भी रो हैं और जितने फैक्टर हैं सब एक जैसा ही फॉर्मेट हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब प्राइस एस्केलेशन में देखिए जो रेट होती है ना वो हमको वेबसाइट से निकालने पड़ते हैं। जैसे देखिए ये लेबर के लिए जो रेट है यहाँ पे मेंशन है, देखिए लेबर के लिए कहाँ से निकालना है, CPI से निकालना है, जो ये देखिए लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से निकालना है CPI रेट। और ये कब का चाहिए, एक तो चाहिए बेस डेट का और एक चाहिए अपना IPC जिस मंथ में है उससे 3 महीने पहले का। देखिए यहाँ पे मेंशन रहता है हर एक चीज कहाँ से लेना रहता है, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है CPI 3 month पीरियड टू द मंथ टू विच द IPC डेट, जो IPC जिस मंथ का है उससे 3 महीने पहले। इसी तरीके से अगर हम सीमेंट का देखें,
देख सकते हैं आप, ये सीमेंट का भी बेस डेट एक रहेगा और इसके अलावा 3 मंथ पहले का सीमेंट रहेगा। सो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे ना, एक और हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेंगे, एक छोटा सा चार्ट, ताकि ये रेट वगैरह हम लोग वहाँ से लिंक करके रखते हैं। अब चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक चार्ट बना देता हूँ ताकि फ्यूचर में भी वो रहेगा और काम करने में ईजी रहेगा। तो आइए एक और फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर आपको समझा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने फॉर्मेट बना लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, एक बार आपको मैं गूगल पे भी दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम लोग निकालेंगे रेट वगैरह। जैसे अगर आप जाएंगे पहले मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, ठीक ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जाएंगे, देखिए इकोनॉमिक एडवाइज़र का ये पेज है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर हम जाएंगे और आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए सिंपली इस पेज पे जाना है और इस पेज पे जाके नीचे देखिए आपको जिस ईयर का चाहिए उस ईयर का यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है। मंथ वाइज रखिएगा क्योंकि मंथ वाइज आपको चाहिए, लाइक हमको अगर 2022 का चाहिए, किसका चाहिए, अगर ऑल कमोडिटीज का चाहिए, जस्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये डाटा देखिए ये आ गया। इस टाइप से हम लोग का ये प्राइस इंडेक्स रहता है जिसको हम लोग को डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिए, कंट्रोल टी करने से देखिए ये प्रिंट होके आ जाएगा। इसको आराम से आप और कम्युनिटी के नाम से सेव कर दीजिए। देख सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हम लोग का और कम्युनिटी। इस टाइप से आपको जितने भी आपको रेट की ज़रूरत है अर्थवर्क के काम के लिए वो सारी डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सब मेंशन है कौन सा रेट कहाँ से लेना है। इस तरीके से जो IOCL का रेट है, लाइक बिटमिन का जो रेट है, वो आपके नियरेस्ट जो भी रिफाइनरी है वहाँ से लेना है या फिर यहाँ पे मेंशन कर देगा। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में मेंशन कर दिया है कि विजाग से लेना है। और उसी तरीके से अगर आप देख पाएंगे तो फ्यूल का जो रेट है वो नियरेस्ट पेट्रोल पंप से देखिए, डीजल एग्जिस्टिंग कस्टमर फ्रॉम इंडियन ऑयल स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप है उसका रेट लेना पड़ेगा जहाँ पर काम चल रहा है। सो फ्रेंड्स मेरे पास ऑलरेडी मैंने सारे प्राइस सोल्यूशन के जो भी डाटा है मैं मेरे पास रखा हूँ। सो मैं इससे फिल करता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है जिसका बिल्ड बेस डेट जो है वो नवंबर 2016 का है, तो मैंने नवंबर 2016 का सारा डाटा फिल कर लिया। और हम लोग पहला SBS जो मार्च में हम लोग बनाए हैं, और इस तो इस हिसाब से हम लोग का जो इंडेक्स लगेगा यहाँ पे वो 3 महीने पहले का लगेगा, जैसा कि मैंने आपको PDF में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ।
ये देख सकते हैं आप, हर जगह इसने एक ही लाइन बोला है, ये 3 महीने पहले का रेंट लाइन देख सकते हैं। ये IOCL 3 month पेयर ऑफ द मंथ विच इज IPC रिलेटेड, इसी तरीके से हर एक में मतलब वो मेंशन कर दिया है। देखिए हम लोग का देखिए, हम क्लियर लिख देंगे कि SPS मंथ तो मेरा मार्च का है, इस हिसाब से मेरा इंडेक्स मंथ जिस पे प्राइस कलेक्शन बनेगा वो मेरा दिसंबर बनेगा। तो अब मैं इसमें दिसंबर 2018 दिसंबर 2017 का मैं रेट इसमें फिल करूँगा। तो आइए सो फ्रेंड्स, अभी हमको विटमिन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आर्थवर्क का ले रहे हैं, काम का प्राइस कलेक्शन रहा है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हम मैंने हमने रेट सारा फीड कर दिया है। तो अब आइए अब इसको इसके साथ लिंक करते हैं। सो ये LI है, जो देखिए जब मीनिंग पढ़ लीजिए कौन सा है आपका जो बेस रेट का है, जैसे जिसमें ओ लगा हुआ है, ये है हम लोगों का बेस रेट। तो जितनी बार भी बिल बनेगी बेस रेट कैलकुलेशन होगा, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने वैसे ही सीख समझाने के लिए किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग इसको लॉक कर देंगे, मतलब हर तरीके से इसको लॉक कर देंगे। F4 बटन दबाएंगे आप एडिट करके ना, तो ये डॉलर का सिंबल आ जाएगा दोनों तरफ, जिससे ये सेल अब लॉक हो जाएंगे। अब मैं जितना बार भी पेस्ट करूँ इसको, वो वही वैल्यू आए, चेंज नहीं। इसी तरीके से हम फिर सीमेंट का भी कर देते हैं, सारे का मैं कर देता हूँ, उसके बाद से फिर देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमने डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे करेंट मंथ को, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं सीरियल नंबर 1। हम लोग का IPC 1 है और हम लोग का मंथ है मार्च 18। अब यहाँ पे हम लोग दिसंबर का भी रेट पकड़ के रखते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमने इसको लिंक कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का जो SPS का वैल्यू है उसको लिया है, तो जस्ट फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू शेड्यूल, जो दिस मंथ का बिल है उसको क्लिक करेंगे। आप चाहिए तो देखिए इसमें देख लीजिए, अगर काम तो केवल इसका ही है तो आप यही लेंगे। जैसे हमने इसमें स्ट्रक्चर नहीं लिया है एक भी, सॉरी कलवर्ट हमने ले रखा है, तो हम दो बनाएंगे, तो इसमें हम लोग पार्ट पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और अर्थवर्क एंड अदर वर्क में जो भी आइटम है उसको हम प्लस करेंगे, दिस प्लस दिस, ये अर्थवर्क का काम। अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है PL इज इक्वल टू LI माइनस LO डिवाइडेड, ये अलग अलग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट पार्ट में इसका कैलकुलेशन कर दिया है और ईजी हो गया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए मैंने कर दिया है दिस परसेंटेज इंटू LI माइनस LO डिवाइडेड बाई LO, तो हर जगह मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करना है, ये रोड जो वर्क डन वैल्यू का 0.85 इंटू वर्क डन वैल्यू, ये रोड वर्क इंटू क्या करना है, ये जो हमने कर दिया है ABCD जो भी लेबर वगैरह का है, बस उसको प्लस कर लेना है ब्रैकेट में रख के, तो ये आ जाएगा वैल्यू का। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, देखिए इतना जो वैल्यू है
ये हम लोग का प्राइस एस्केलेशन का है, 9,21,000, ये हम लोग का एडिशनल रेंट। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे ये फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे रेट का जो डिफरेंस आ गया है, जो इंक्रीज हुआ है रेट, वो इतना है। अब इसको सिंपली आप इतना इंटू ये पूरा वर्क डन इंटू अगर आप 0.85 करेंगे तो आप देख सकेंगे। मैं सब में एक बार कर देता हूँ, इसको एडिट कर करके ये जो है इसको सब सब में ये वर्कडाउन पे लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे फॉर्मूला को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही से काम किया है कि नहीं किया है। देख सकते हैं अब यहाँ पे एक एक आइटम का आ गया वैल्यू कि भाई प्लांट एंड मशीनरी में हम लोगों का रेट डिक्रीज हुआ है। देखिए ये बेस रेट 76 था और करेंट रेट 74, अदर मीन्स की हम लोगों का 2,50,000 रुपये कम लगा। तो जो कम लगा है वो रिकवरी लेगा गवर्नमेंट, और जो ज़्यादा अगर हम लोग का लगा है तो वो पे करेंगे। तो ये अगर हम ये टोटल का सम देखते हैं, लाइक लेबर का, सीमेंट का, फ्यूल का, अदर मटेरियल का, और उसके वजह से प्लांट एंड मशीनरी का, तो आप देख सकते हैं 9,21,000 आया जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। तो हम इसको हटा देते हैं, ये लगता नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया था करके, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्राइस एस्केलेशन अर्थवर्क एंड अदर वर्क के लिए हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एक और प्राइस एस्केलेशन फॉर स्ट्रक्चर इन माइनर बिज वर्क, ताकि आप लोग को क्लियरिटी आ जाए कि अगर इसके बाद अगर दूसरा और तीसरा फॉर्मेट जो भी बनाना है तो कैसे आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड आइए, सो फ्रेंड देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये बना लिया है फॉर्मेट, तो ऑलरेडी इसको जस्ट हम लोग कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपको रखना होगा उसको रख लेंगे। तो जस्ट इसके बाजू में लोग रखना ही है, और इसका नाम हम चेंज करके इसको हम लिख देंगे कलवर। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपने को, फिर से हम लोग को एग्रीमेंट का पेज ओपन करना है और हमें देखना है। सो फ्रेंड्स क्या करना है आपने को, फिर से अपने को एग्रीमेंट का पेज ओपन करना है ये वाला, और हमें देखना है कि अब इस कलवर्ट्स में कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको हमको लेना है प्राइस एस्केलेशन। तो इसमें है लेबर है, देखिए सीमेंट है, स्टील है। इसमें देखिए हम लोग क्या क्या ले चुके हैं, लेबर, सीमेंट, स्टील हम लोगों ने नहीं लिया है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 3 रो की लाइन, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टील। और इससे फ्रेंड हम लोग का ये देख सकते हैं फॉर्मेट बन के रेडी हो गया स्ट्रक्चर वर्क के लिए। फ्रेंड्स इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये लेबर के लिए जितना परसेंटेज दिया हुआ है अपना प्राइस एस्केलेशन के टेबल में, वो हम लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा, लिखना होगा। ठीक, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये स्ट्रक्चर में, जैसे देखिए लेबर के लिए दिया हुआ बेटे 15% दिया हुआ है कंपोनेंट। तो यहाँ पे जस्ट जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ फॉर्मेट में लिख लेंगे, जैसे लेबर के लिए 15, सीमेंट के लिए 15, उसके बाद से स्टील के लिए 15 और फ्यूल के लिए 10, अदर मटेरियल के लिए 30 और प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15। आप इसका सम करके भी देख लीजिएगा कहीं गलती ना हो जाए, टोटल सम 100% आना चाहिए। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं, देखिए ये सारे सिलेक्ट कर लिए मैंने, ये 100% है। सो फ्रेंड अब इसके बाद से क्या करना होगा, ये जो वर्क का नाम है और ये फार्मूला है ना, ये दोनों चेंज करने होंगे, क्योंकि अब फार्मूला में क्या है, फिर एक आइटम बढ़ गया ना, तो इसमें वो एक आइटम का यहाँ पे फार्मूला में मेंशन करना पड़ेगा ये डिस्क्रिप्शन में कि ये चीज़ का भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और उसी तरह से ये जो वर्क डन है ये अर्थ वर्क का नहीं है, ये स्ट्रक्चर का है। सो आइए एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या वर्डिंग है, सेम एज इट इज हम लोग यूज करेंगे। जैसे ये देखिए वैल्यू ऑफ वर्क डन completion of item फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हम लोग
प्राइस एडजस्टमेंट का फॉर्मूला भी हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें भी हमको जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको ऐड करना है। ये देखिए ये चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे हम लोग चौथे नंबर पे उसको ऐड करके। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसके बाद से यहाँ पे जो ये वर्कडन वैल्यू है, हम लोग अर्थवर्क में तो अर्थवर्क का पकड़ा हुआ है, तो अभी हम वापस से सीडी एक बार हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिया है 5 करोड़ 19 लाख, ये हम लोग लिया अर्थवर्क एंड अदर वर्क को, तो इसको हम लोग वापस से जाके यहाँ पे शेड्यूल में जाके ये कलवर्ट वर्क को सिलेक्ट करेंगे। और भी जितने भी कलवर्ट हुए रहेंगे लाइक ये मेजर ब्रिज, इनको भी सिलेक्ट करना होगा अगर काम हुआ रहेगा तो। तो देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लिया और बस अब दिखा रहा है ये माइनस में। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये नहीं है, स्टील का रेट यहाँ पे हम लोगों ने अभी नहीं डाल के रखा है। सो देखिए यहाँ पे रीबार का मैंने पहले से ही डाल के रख दिया है, तो चलिए इसको हम लोग उसके साथ लिंक करते हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग ये रीवर का एफओ वैल्यू बेस डेट को पहले सिलेक्ट करेंगे, इसको लॉक करेंगे और उसके बाद से फिर करंट इंडेक्स डालेंगे बिल के साथ का जो इंडेक्स जुड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया वैल्यू, आप देख सकते हैं ये हम लोगों का कलवर्ट्स का भी बन के रेडी हो गया और हम लोगों का अर्थवर्क एंड अदरवर्क का। एक काम और करेंगे, हम लोग एक और फॉर्मेट बनाएंगे जहाँ पे हम लोग ये अलग अलग जो भी प्राइस एस्केलेशन है उसको हम लोग समराइज कर सकें, सो दैट आगे काम करने में परेशानी ना हो और बार बार हमको अलग अलग जगह से जाके ये एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे लिंकअप ना करना पड़े, प्राइस एस्केलेशन में लिंकअप ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग एक चार्ट और एक शीट बना लेंगे इसके बाजू में जो समरी की शीट रहेगी। तो आइए वो समरी शीट को भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ फिर आप समझाता हूँ। सो फ्रेंड इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब समरी शीट बनाने के लिए हम लोग सहायता लेंगे एग्रीमेंट का ये टेबल का। तो इसके एसपीएस नंबर के बाद से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये अर्थवर्क ग्रेनुलर, जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे बिटुमिनस वर्क को कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सीमेंट कंक्रीट वर्क अगर है तो इसको भी यहाँ पे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। कलवर्ट्स एंड माइनर ब्रिज है यहाँ पे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और मेजर ब्रिज एंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेस्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो so, इसके बाद से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे।
सो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेस वन में अर्थवर्क में कितना हम लोग का एस्केलेशन होना है वहाँ पे इक्वल टू करके और अर्थवर्क में जाके और ये वैल्यू को हम लोग सॉरी वापिस से करेंगे, हमने वर्कडन वैल्यू उठा लिया था, उठाना है ये हम लोग को लिंक करना है इसके साथ। और सेम हम लोग जो कलवर्ट्स का काम किए हैं वो कलवर्ट्स में जाके कलवर्ट्स का ये करेंगे। आप देख सकते हैं ये हम लोगों को आप देख सकते हैं इतना वैल्यू है जिसमें से पहले हम लोग कुछ भी नहीं लिए हैं और ये फॉर्मूला लगा देंगे। और ये सिंपली ये जो वैल्यू निकल के आया इसको हम लोग अपसेट के साथ जाके लिंक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का बिल बन के रेडी हो गया और प्राइस एस्केलेशन भी आपने कर लिया, थोड़ा बहुत जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर हेडिंग डालना। सो फ्रेंड इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट का टाइटल वगैरह डालेंगे तो सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे तीन चार कॉलम जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जिसको फिर हम लोग क्रॉस मर्ज करेंगे। इसके बाद से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे या फिर कहीं और लिखा हुआ है प्रोजेक्ट में उसके साथ जस्ट लिंक कर देंगे हम। आप देख सकते हैं मैंने इसको लिंक कर दिया है और सेम चीज़ अब यहाँ पे भी हम करेंगे मर्ज क्रॉस करेंगे, यहाँ पे वापस से हम लिंक करेंगे दूसरी जगह जहाँ पे भी आपने लिख के रखा है वहाँ से। आप देख सकते हैं ये हम लोग का फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। सो गाइस ये रहा हम लोग का। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे प्राइस एस्केलेशन डिफरेंट डिफरेंट आइटम पे कैसे बनाते हैं और ये कहाँ से बनाते हैं, एग्रीमेंट के किस क्लॉज में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखिए, अगर कहीं भी आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।